हाई एवरी वेलकम टू अनदर रेसिपी वीडियो ऑफ डेलिशियस जिंदगी इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखने वाले हैं रसमलाई केक आई एम श्योर अगर आपने रसमलाई केक खाया होगा तो आपको भी पता होगा कितना ज़्यादा टेस्टी होता है तो इसके लिए हमने सबसे पहले बाउल में लिया दो कप मैदा एक टीस्पून बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है क्रश करके दो तीन इलायची अगर आप लोगे उसको तो क्रश कर लो और उसमें मिला लो क्योंकि और जो मिठाई फ्लेवर वाला केक है ना उसमें तो इलायची का फ्लेवर ज़रूरी है यहाँ पे हमने दूसरे बाउल में फिर लिया है डेढ़ कप दही उसको अच्छे से फेट के उसके बाद दही यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हम डेढ़ कप चीनी यूज़ कर रहे हैं आधा टीस्पून बेकिंग सोडा चीनी को अच्छे से फेंट के उसको मिक्स कर लेना है अगर आप पाउडर शुगर यूज़ करोगे तो आपको इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन आप अगर पाउडर शुगर यूज़ करते हो तो क्वांटिटी बढ़ा के डेढ़ कप से आप ढाई कप कर सकते हो यहाँ पे मेरे पास रसमलाई फ्लेवर का एसेंस है तो ये हम आधा से बिल्कुल कम लाइक थोड़ा सा एसेंस यूज़ कर रहे हैं एंड देन केसर एसेंस यहाँ पे केसर एसेंस बिल्कुल एक या दो बूंद ही डालना है मैक्सिमम उससे ज़्यादा मत डालना वरना बहुत ज़्यादा कड़वा केक बन जाएगा ये जो फ्लेवर्स होते हैं एसेंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसलिए आप जितना वनीला एसेंस डालते हो एक चम्मच के बराबर उतना आपको ये फ्लेवर्ड एसेंस डालने का जरूरत नहीं है इसके बाद आप दोनों जो हमने यहाँ पे जो रेडी करा है उसमें ड्राई वाले जो फ्लावर वाला जो है उसमें हम इस लिक्विड वाले को मिक्स कर देंगे इसमें चीनी रह जाता है बाउल में काफ़ी बार नीचे तो आप ध्यान से सारा चीनी को यूज़ कर लेना वरना केक जो है वो प्रॉपरली मीठा केक नहीं बन पाएगा इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंसिस्टेंसी जो है उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रस जो मिठाई है उसका जो रस होता है वो ताकि जो स्पॉन्ज भी है ना उसमें भी रसमलाई का स्वाद आए तो इस रस मलाई थोड़ा थोड़ा लिक्विड यूज़ करेंगे जो रस है उसको वरना ज़्यादा अगर लूज़ हो जाता है कंसिस्टेंसी तो फिर वो दिक्कत होएगा बनने में स्पॉन्जी केक नहीं बन पाएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत बार फेट-फेट के और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और ज़रूरत है लिक्विड का तो आप यूज़ कर लो बढ़िया से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसको टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे थोड़ा सा ऑयल अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे हम आप ट्राई करना कि राउंड वाला ही टिन यूज़ करो क्योंकि रसमलाई केक जो ना वो गोल शेप में ही अच्छा लगता है स्क्वायर शेप में उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता है दो तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे एंड उसके बाद अच्छे से इसको हम चारों तरफ से मैदा को लगा देंगे ताकि केक जो है वो बेस में चिपके ना और आराम से बिना झंझट के निकल जाए फिर हम सारा जो मेरा बाटर है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे अच्छे से इसके बाद हम इसको ऐसे टैप कर देंगे ताकि अगर बीच में कुछ बबल्स वगैरह हो तो वो निकल जाए एंड इसको 180 एटी डिग्री सेल्सियस पे हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 25 मिनट्स के आसपास आप बीच में एक बार चेक भी कर सकते हो तो हमारा स्पॉन्ज बन के बिल्कुल रेडी है अब इसको हम दो भाग में ऐसे डिवाइड कर लेंगे और ये पूरे केक बनाने के प्रोसेस में ये मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है क्योंकि मेरे से कभी भी ये इक्वल एकुल इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता है इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे या फिर अगर आपके पास केक टेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो नीचे थोड़ा सा विप क्रीम लगाएंगे पहला बेस को रख देंगे आप देख रहे हो कैसे वोल्केनो शेप में हमारा जो बेस है वो डिवाइड हुआ है आप कोशिश करना कि आप इक्वली डिवाइड करो इसके बाद हम यहाँ पे जो रसमलाई का रस होता है मेन इसमें रसमलाई के रस से ही सारा टेस्ट आता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है तो इसको हम इस तरीके से स्पॉन्ज पे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि जो स्पॉन्ज है ना वो अच्छे से सोख सोख ले रस को और इसमें भी फ्लेवर्स आ जाए इसके बाद आता है काम विप क्रीम का विप क्रीम में हमने थोड़ा सा अगेन रस मलाई के रस के साथ विप क्रीम को वप कर दिया है तो अगर जो लिक्विड आप डालते हो ना तो वो थोड़ा सा लूज हो जाता है तो आप थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा ही मतलब आपको वो प्रॉपर विप क्रीम जैसा आ, कंसिस्टेंसी तो नहीं देगा बट आप उसको अगर फ्रिज में थोड़ी देर रख लेते हो ना तो वो थोड़ा सा कड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा आप विप क्रीम में मत डालना वरना विप क्रीम पूरा खराब जाना है वो फिर लिक्विड ही लिक्विड ही बन जाएगा फिर आपको उसको शेक बना के पीना पड़ेगा तो इस तरीके से काफ़ी सारा क्रीम लगाने के बाद सेकेंड लेयर भी ऊपर रख दे रहे एंड विप क्रीम से अच्छे से चारों तरफ क्रीम लगाएंगे अगर आपको कम क्रीम पसंद है खाना तो आप कम लगाओ अगर आप ज़्यादा क्रीम प्रेफर करते हो तो ढेर सारा क्रीम लगा दो क्योंकि क्रीम भी है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि इसमें भी रसमलाई का फ्लेवर आने लगा है एंड स्पॉन्ज में रसमलाई का फ्लेवर है ही मतलब ये पूरा केक जो है ना वो एकदम जिनको मीठा खाना पसंद है उनके लिए ये केक इज़ लाइक like, मतलब क्या ही बताओ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये केक मेरे आसपास जिन जिन लोगों ने भी ये वाला केक खाया ना लाइक दयाल है कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है अच्छे से हर तरफ लगा देंगे आप चाहो तो एक बार एक लेयर क्रीम लगाने के बाद ना आप उसको फ्रिज में रखने के सेट होने के लिए रख सकते हो टेन मिनट्स के लिए एंड अगेन आप उसके ऊपर एक दूसरा लेयर लगा सकते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको अगर क्रीम में आप ज़्यादा रस मिला देते हो ना तो हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है काफ़ी लोग उसमें क्रीम में रस नहीं बनाते हैं सिर्फ येलो कलर डाल देते हैं उसको रस मलाई का आ, केक का लुक देने के लिए बट मेरा मानना है कि अगर क्रीम में भी रसमलाई का फ्लेवर आ जाए तो फिर क्या ही बात है अच्छे से स्क्रैपर से हम इसमें शेप दे देंगे हर तरफ़ से ऊपर से भी थोड़ा प्लेन कर देंगे एंड देन इसमें बिल्कुल बेसिक वाला फ्लावर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो लाइक like नॉर्मल सा होता है ना नोज़ल यूज़ करके और हर तरफ इसके एक एक फ्लावर बना देना है तो दैट्स इट आखिरी में हमने इसको सर्विंग प्लेट पे ट्रांसफर कर दिया है और बस एक नीचे में एक बॉर्डर बना दे रहे हैं हम पतला सा आखिरी में हम यहाँ पे एक मेरे पास एक जो बल रस मलाई होता है ना उस बस एक ही पीस था तो हमने उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया एंड उसको ऊपर में डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर लिए अगर आपके पास ज़्यादा रस मलाई है तो आप दोनों बेस जो स्पौ... है ना ब्रेड का जो बेस था उसके बीच में भी आप लगा सकते हो या फिर अगर आपके पास छोटी वाली अंगूरी रस मलाई है तो आप हर फ्लावर के ऊपर भी डेकोरेट कर सकते हो आप जैसे चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो लास्ट में हमने पिस्ता को ऐसे क्रश करके ऊपर से जस्ट स्प्रिंकल कर दिया है ढेर सारा दैट्स इट हमारे इस मलाई के एक बन के बिल्कुल रेडी है वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना बाय बाय